بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. इस टाइम इस पूरे एरिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है. पैकिंग कर लिया बारिश से लड़ने की. लड़ा तो नहीं जा सकता, बचा जा सकता है. लग रहे बारिश ना हो, लेकिन असार कुछ ऐसे ही लग रहे हैं उस साइड पे. सो अब टफ चढ़ाई नहीं होगी, अब उतराई होगी इंशाल्लाह. अल्लाह अकबर. हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है. मैंने हिसाब लगाया, जब मेरा कहीं रुक के ड्रोन उड़ाना होता है बहुत तेज़ हवा चल जाती है. स्टीप है ये जगह और नीचे खाई बहुत गहरी है. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद इस ट्रैवलर के अंदर. आई होप यू आर ऑल फाइन. सफ़र जारी है बड़गोई पास से कुमराट वैली की तरफ. मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, ज़रा इनको गुजरने देते हैं. गुजर जाओ यार, गुजर जाओ, गुजर जाओ. लास्ट ट्रैवलर के अंदर मैंने कहीं पे कहा था कि अभी तक मुझे बड़गोई पास का जो ट्रैक है ये बनस्पत मॉडर्न लेके ट्रैक है आसान लग रहा है. आई वॉज रॉन्ग. वो अकेला बंदा कर सकता है, ये अकेला बंदा नहीं कर सकता. अच्छा, इसमें ज़्यादा इशू ये है, जहाँ पे बाइक्स रुकती है ना आपकी, वहाँ पे ये ऐसे खड्डे आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं और स्टीप होती है चढ़ाई, या नीचे सरकने वाले छोटे पत्थर आ जाते हैं. वो ना हो तो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं. लेकिन बहुत टफ था बॉस, बहुत टफ था. बाय बड़गोई पास. जब ऐसी जगह पे राइड कर रहे हो, नीचे डायरेक्ट खाई हो, तो सबसे मुनासिब तरीका ये होता है फॉर टू व्हीलर्स, आप पहाड़ के साथ साथ रख के बाइक चलाएं. ठीक है, हो गया ये. खुदा ना खास्ता नीचे कोई पत्थर से आप टायर स्किड होता है और आप गिरते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर गिर जाएंगे. ठीक है, उस साइड पे अगर आप गिरेंगे तो आप नीचे ही जाएंगे. सो ये जहन में रख लिया करें. बस कन्हैया पड़ना शुरू हो चुकी है. सही वक्त में मैंने पैकिंग कर ली. बारिश का सीन ना होता, हवा ना होती, मैं कहता हूँ नज़ारे ही अखीर होने थे यहाँ के. खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है. ये बादल जाओ ना, तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, रास्ते में ना आना. बस है दूसरा गेट लगेगा अब. ओहो, क्या बात है. अभी जो मेरी लेफ्ट साइड है वो ये सारा ट्रैक, ये दश्ते लैला का ट्रैक है. ज़िक्रिया एंड द ग्रुप वो जा रहे हैं उस साइड पे. ओबियसली वीडियो में आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ से आँखों से मुझे बड़ा मुश्किल से नज़र आ रहा है. ओफ वाह, ऊपर ये इसी ट्रैक से जो मुझे आगे कुमराट लेके जा रहा है, यहाँ से लेफ्ट होना पड़ता है उस पहाड़ की टॉप पे. वो एक अच्छी जगह है, बट मुझे कुमराट जाना है, मैंने इसलिए वो मिस करवा दिया. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट स्लोप है. चल चल, अल्लाह ऊपर चढ़ दे. शाबाश शबर ब्लैक पेंथर, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे. अभी मैं साइड पे रुक जाता हूँ और उसका रास्ता देता हूँ गुजरने का. जाओ
फी अमान अल्लाह। ओ हो, नज़र आ रहा है ऊपर बाबा जी जा रहे हैं, क्या व्यू है यार यार, जस्ट वो सुभान अल्लाह। ओए होए 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरी कुदरत, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत आला। हेलो सैमा, जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, हूँ सैमा, ये सब सैमा ही है। ओह अल्लाह अकबर, पीछे वाला मोड़ जो था वो टफ था, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये किया जा सकता है। वो देखें, वो तो बिल्कुल वैसे ऊपर आ रहा है, 4x4 का काम है ना ये, तो 2 व्हीलर्स का थोड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहाड़ देख लें, ये बटगोई पास, मुझे याद रहेगा वेयर आई लॉस्ट माय ड्रोन, पहाड़ के पीछे गिर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से जाके मैं ले आया, नहीं मिल रहा था, बहुत चक्कर लगे मेरे, पहाड़ के टॉप पे चढ़ा, फिर पहाड़ से नीचे उतर के, हाँ वहाँ से मुझे आईडी हुआ कि नीचे पड़ा हुआ है, फिर मैं दोबारा नीचे से गया, फिर ऊपर आया, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, या अल्लाह तो शुक्र है। दिस प्लेस आई विल नेवर फॉरगेट। चल अभी आगे, अब स्कून से कुमराड़ चलते हैं, बहुत टाइम ज़ाया हो गया यहाँ पे, काफ़ी हद तक नीचे आ चुका हूँ, अक्सर सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो कभी कभी किसी पॉइंट पे ये ख्याल आ जाता है, ओ भाई क्यों कर रहा है ये, क्या तकलीफ है, सुकून से घर में बैठा रहता, अभी ये पीछे वो पॉइंट चला था, यहीं पे इंसान का टेस्ट होता है, यहीं पे इंसान को उसकी लिमिट का पता लगता है। अब ये पत्थर वही वाले हैं जो आपने मॉडर्न लेक वाले देखे थे, वैसा ही ट्रैक है, मेरी रिस्ट जॉइंट्स शोल्डर इस पर बहुत जोर है अभी इस टाइम, बब्बाए बढ़ गई पास, वो ऊपर था, चलो भाई अब जरा सुकून से चलते हैं, आगे कहीं नमाज का स्टे कर लेंगे, लंच भी कर लेंगे। मैं वैसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कलाम साइड से बटगोई आना डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुमराड़ से बटगोई जाना
ये भी कम नहीं है, ये उतराई जो है ना डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो कलाम वाली साइड पे है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, मैं शदीद थक चुका हूँ भी, तो आगे ब्लॉग थोड़ी देर रोकता हूँ और सुकून करूँगा किसी जगह पे, फ्रेश होऊंगा, फिर आएंगे वापस इंशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए रेस्ट, नो पेन नो गेन। सही पहनी शर्ट में यार, अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी वापस आ चुकी है। अब कोई स्टे नहीं करूँगा, यहाँ से निकलते हुए सीधा पंचगुड़ा रिवर का जो पुल है वहाँ तक पहुँचना है, और उसके बाद इतना ही रास्ता आगे कुमराट वैली का जो जंगल है अंदर का, बस यहाँ से उतराई है, और जो मैंने पंचगुड़ा रिवर तक जाना है तो वो उतराई है, मुझे उतरना पड़ेगा। जो उसके बाद कुमराट वैली है वो तो सीधा जा सकता हूँ मैं, वो सीधा सीधा रास्ता, मसला कोई नहीं है। अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह है। ओह अल्लाह, ऊपर सूरज उस साइड पे है, यहाँ पे एंगल कैमरे का इसके बिल्कुल ऑपोजिट सूरज है अभी। सब बस ठीक है इंशाल्लाह, 2 घंटे के अंदर मुझे उम्मीद है मैं पहुँच जाऊँगा, कहीं अब रुकना नहीं है, बस निकालना है यहाँ से ताकि मैं कुमराट जाऊँ। मैंने पहले अपनी कैंपिंग साइट ढूँढनी है, कैंपिंग साइट ढूँढने के बाद मुझे अपना कैंप लगाना है, ठीक है। सो पैक शैक होकर दोबारा निकलते हैं, दोबारा मैं कपड़े पहन लेता हूँ वाटर प्रूफिंग के लिए, तो मुझे लग रहा आगे ना बादल बेईमान करेंगे, लग रहा है। अरे सासर भी, हेलो हेलो, रास्ता दो। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। अब 4:35 पर मैं निकल गया हूँ। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि सूरज भी नज़र आ गया, यार खुशी होती है यार। सूरज की रोशनी इन एरियाज़ के अंदर इनके हुसन को दुबला कर देती है, एटलीस्ट मेरे लिए ये। कुछ लोगों को बारिश पसंद है, अभी मैं बाइक के ऊपर हूँ, मुझे बारिश सूट नहीं करेगी। जीप के ऊपर वो बंदा तो अलग बात है, बाइक के ऊपर ही सीन होते हैं। चलो 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 चलो, यार कितना प्यारा है यार, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। इसके लिए एक और ड्रम होती है वो भी। मेरी मेरी बकरियों, मैं बाबू भैया काफ़ी हद तक नीचे आ गए, बस थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा दरियाए पंचगुड़ा के पास, उसका पुल क्रॉस करना है और मैं राइट साइड पे एंटर हो जाऊंगा कुमराट वैली में। इस तरह मौसम प्यारा है, लेकिन जो मैंने इस तरफ जाना है यहाँ से काले से बादल आ रहे हैं। अभी तो ड्रोन भी जाके देखना है दोबारा उड़ सकता नहीं उड़ सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके जो पिछले वाले 2 प्रोपेलर्स हैं वो ख़राब हो गए हैं लग रहा मुझे, बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा सब। आ गए हैं उस मोड़ के करीब जहाँ से हमें मुड़ना है कुमराट वैली के लिए, और सामने जो ये वैली ओपन हुई है, अल्लाह अल्लाह क्या बात है। चलो पुल पे चढ़ते हैं, जाके देखता हूँ कि अगर सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं तो घर इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि कुमराट में तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पे सिग्नल नहीं आएंगे, फिर घर वालों से भी रब्ता कट हो जाएगा। फारूक भाई और उमर भाई, इनको मैं साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ, इनको भी बता दूँगा। हो वो भी, सुभान अल्लाह। प्रेम भाई इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। प्रेम भाई बाय बाय, गंदा मंदा ट्रैक,
थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुकून का सांस मिला यार पक्का रोड। चलो ये चीज चौक रख। सोथल से कुमराड़ वैली का सफर शुरू हो चुका है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गए, एजाजुल्लाह भाई। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप मेरी तरफ रुकें, तो कल इंशाल्लाह मैं उनकी तरफ रुकूंगा। आज मेरा प्लान है कि मैं अब आबशार तक जाऊं, वहां पे किसी रेस्टोरेंट के पास अपना कैंप लगाऊं, और उसके बाद कल के दिन इंशाल्लाह कुमराड़ को एक्सप्लोर करेंगे। सुकून करने के बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगा और इंशाल्लाह एजाज भाई की तरफ रहूँगा, ताकि मैंने आगे जो सफ़र अपना करना है कैलाश वैली का वो इजीली कर सकूं। ओह खतरी पुल। हटो बच्चों। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि थल में मुझे 4G मिला, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाते हुए, टाइम भी मुझे थोड़ा लग गया है, 6:15 हो गए हैं, मैंने किया ये है कि कुछ पोस्ट वगैरह कर दिए फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं लाजमी करता हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ट्रिप की अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, तो वो आप लोग देख लिया करें। ओके देखो शाम होने आई। हो प्लान तो मेरा ये था कि पहले मैं आबशार की तरफ जाऊँगा, वहाँ पे किसी होटल में कैंप लगा लूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका, मुझे उससे पहले ही मगरिब हो गई थी। तो मैंने एक अच्छी सी कैंप की लोकेशन देख के होटल के पास उनकी कैंप साइट के अंदर मैंने अपना कैंप लगा लिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर आप नज़ारे भी देख लेंगे इंशाल्लाह इसके, अगर तो मेरा ड्रोन सही सलामत रहा चल गया तो इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर ही होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस थ्रिलिंग एडवेंचर। मेरे तो हाथों की बैंड बज गई है, तो कोई नहीं इंशाल्लाह आराम करके सब सेट हो जाएगा। मैंने ये भी थोड़ा अपर भी पहना हुआ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सर्दी है। सो नो पेन नो गेन। अल्लाह सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So fast that you'll miss it if you blink. So now